खुफिया ने हमेशा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है और आवाम को हमेशा इन चीजों से रोशनास कराया है जिनसे आवाम गाफिल रही। कभी वजह बनी लाइल्मी और कभी बेहसी। हमने कार्रवाई की हमेशा सरकारी इदारों के साथ। हमारा काम है आवाम को शऊर देना। सरकारी इदारों का काम है कानून की रिट कायम करवाना और कानून लागू करवाना। आज का प्रोग्राम निहायती अहम है। इस हक की आवाज़ को हम सब मिलकर बुलंद करें, क्योंकि ये रोज मेरे साथ, आपके साथ और हमारे प्यारों के साथ होता है और हम खामोश रहते हैं। जिस तरह सिक्का राजुल वक्त होता है, इस तरह नाप तोल का भी निजाम हुकूमत की तरफ से राइज करवाया जाता है, जिस पर अमल करवाना सरकार की और अमल करना आवाम की जिम्मेदारी है। मेरे वतन में हुकूमत ने किलो का पैमाना राइज किया तो पॉइंट कैसे और क्यों चल रहा है? मेरे वतन में कपड़ा नापने का पैमाना मीटर है, लेकिन गज से क्यों बिकता है? रोज हमारी आंखों के सामने चल रहा होता है दूध फी किलो, जबकि सरकार का राइज करदा पैमाना लीटर है। हमारे साथ कहां कहां और कैसे कैसे ज्यादती हो रही है, हम आपको दिखाएंगे। इस हवाले से देखिए खसूसी रिपोर्ट। खुफिया सच की आवाज बुलंद करता है और बात करता है हमेशा हक की। हमने हमेशा आवाज उठाई मासूम अवाम की, और अरबाब इख्तियार से लेकर ऐवानों और मौजिज कोर्ट के सामने तमाम तर हकाइक और शवाहिद के साथ पहुंचाए। आज का प्रोग्राम उस आवाम के नाम है जो कभी टैक्स के नाम पर तो कभी टैरिफ के नाम पर लुटती रही, और अपने हाथों से अपने पाओं पर कुल्हाड़ी कैसे मारते हैं ये कोई हमसे पूछे। नाप तोल पैमाइश पैमाने मासूम आवाम क्या जाने। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड राइज होने के बावजूद आज भी हम पौंड सेर गज और माय अशिया के लिए किलो इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्का राइज उल वक्त की तरह पैमाने भी राइज किए जाते हैं, मगर हमारे यहाँ सिर्फ मनमानियां की जाती हैं। कानून को इतना कमजोर बना दिया गया है कि इसकी रिट कायम करने वाले लोगों को खुद जान के लाले पड़ जाते हैं। आज भी बेकरी से केक पौंड के हिसाब से मिलता है, जबकि पौंड का बट्टा ही दस्तियाब नहीं। कपड़ा गज में बिकता है, जबकि गज का पैमाना मौजूद ही नहीं। हर जगह हमारे साथ धोखा होता है। मिठाई की दुकान वाला कागज या गत्ते को भी मिठाई के साथ मोल में तोल देता है, और हम बड़े मजे से चुपचाप वो डब्बा घर ले आते हैं। खुफिया ने आज पहली बार वेट एंड मेजरमेंट के इदारे के साथ आवाम की आंखें खोलने की कोशिश की है। प्रोग्राम के इख्तिताम तक इंकशाफात का सैलाब आपका मुंतजर रहेगा। हमारे पास मौजूद है वेट एंड मेजरमेंट का इदारा, जिसका काम है कानून का नफाज कराना। हमारे वतन अजीज की सड़कों पर चलते फिरते हमारे साथ किस किस तरह से धोखे, मिलावट, नाप तोल में हेरा फेरी की गई, हम आपको प्रोग्राम में जरूर दिखाएंगे। कपड़ा लेने जाओ तो एक मीटर के बदले एक गज खरीदना पड़ता है, यानी 39.3 के बजाय 36 इंच, तकरीबन 3.5 इंच की चोरी। एक सूट में से आधा मीटर कपड़ा चोरी। सवाल ही पैदा होता है, जब गज का पैमाना मार्केट में दस्तयाब ही नहीं, तो फिर कैसे गज का मेजरिंग स्केल मार्केट में आया? फैक्ट्रियां मीटर में कपड़ा बेच रही हैं, लेकिन ये दुकानदार गज में क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि मुनाफा है, और मफाद परस्ती में हम कुरान की आयात और हदीस भी भूल जाते हैं। मिलावट और नाप तोल में कमी करने वालों के लिए क्या फरमाया गया है? वेट एंड मेजरमेंट के डिपार्टमेंट ने बिला इम्तियाज कार्रवाई की, जिसे खुफिया ने अपने कैमरों में फिल्म बंद किया और आप तक पहुंचाया।